Great. Assalamu alaikum. The exam is finally here. I know that all of you have been preparing for like, some of you have been preparing for months, some of you have been preparing for years. Aur imtihan ki ghadi jo hai wo aakhir aa gayi hai. This week, day after tomorrow, your CSS 2020 is going to start. Fingers crossed for that. Lots of prayers for all of you. Aur वो फैज साहब कहते हैं कि जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है. तो ये एग्ज़ाम जो है ये तो आनी जानी चीज़ है, इसके ऊपर इतना सीरियस नहीं होना. एज लॉन्ग एज यू गाइस हैव पुट योर एफर्ट एंड यू हैव डन योर बेस्ट, सो गो इन विद कॉन्फिडेंस एंड इंशाल्लाह देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स विद द एग्ज़ाम. अ फ्यू लास्ट मोमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देना चाह रहा था, ख़ासतौर पर जो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं बार बार उनके बारे में. उसके अलावा ये कि अभी एज यू गाइज कीप ऑन जॉइनिंग मी, लेट मी नो कोई भी आपका सवाल होता है लास्ट मोमेंट किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या सीएसएस के पेपर से रिलेटेड, कैसे देने हैं, क्या डे ऑन द डे ऑफ द एग्जाम क्या टिप्स हैं, तो वो यू कैन लेट मी नो. अच्छा, तीन बातों से मैं शुरू करूँगा, फिर आप लोगों के क्वेश्चन सब तक आते जाएंगे. सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इस वक्त ये समझ रहे हो कि हमारी शायद तैयारी पूरी नहीं है, हम पेपर दें या हम पेपर ना दें, तो पेपर दे दो. कभी भी कोई भी सीएसएस एग्जाम में इस माइंड से नहीं जाता कि मेरी 100% तैयारी हो गई. ये 100% तैयारी कभी भी नहीं होती. अगर आप इस साल एग्जाम नहीं दोगे, आप कहोगे मैं एक साल और पढ़ लूं, मैं अगले साल एग्जाम दूं, आप की तब भी 100% तैयारी कभी नहीं हुई होगी. तो इस कॉन्फिडेंस से जाओ कि अगर 15,000, 20,000, 25,000 लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनमें से मेजॉरिटी की 100% तैयारी नहीं होती, अक्सर की तो 40-50% तैयारी होती है. अगर आपकी 60% तैयारी भी है तो ये बहुत है. मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि मेरी शायद मैक्सिमम 70% तैयारी होगी. तो सिलेबस बहुत लंबा है, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं. तो आपने इस बात से नहीं घबराना कि मेरी तैयारी मुझे कम्प्लीट नहीं लग रही. बी कॉन्फिडेंट. और ये तो सबसे पहली बात थी. दूसरा, कई लोग बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर परेशान हो रहे होते हैं लास्ट मोमेंट कि हमसे रिटेन नहीं हो रहा. उनके लिए मेरी फाइनल टिप ये है कि येस, योर फैक्ट्स एंड फिगर्स मैटर. येस, इट मैटर्स हाउ यू प्रेजेंट, यू व्हाट काइंड ऑफ फैक्ट्स यू प्रेजेंट, आपको कितना आता है उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है. पर उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपको जितना कुछ आता है आप उसको प्रेजेंट किस तरह करते हो. इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में जाओ कि आप अगर फैक्ट थोड़े ऊपर नीचे भी हो जाएं, आपको बहुत हज़ारों करोड़ों फैक्ट्स नहीं चाहिए उसके अंदर, थोड़े से फैक्ट्स अगर आपको याद हो. ज़्यादा गेम इस चीज़ की है कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है. जब सवाल आता है तो सबसे पहले, चलो वो मैं फिर सवाल में बताता हूँ, पर अभी आपने ये भी परेशान नहीं होना कि फैक्ट्स मुझे भूलते जा रहे हैं. ये याद रखो कि जब आप एग्ज़ाम में जाओगे, कई लोग तो एग्ज़ाम में जाते हैं, मेरे साथ हमेशा ये होता है. आज मेरा हमारा इंटरनल स्पेशलाइज ट्रेनिंग चल रही है इधर सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर में. तो आज हमारा एग्ज़ाम था कानून शहादत एविडेंस का, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे. तो आज सुबह था हमारे, तो मैं जब पेपर में बैठा हूँ आज सुबह, तो अपनी तरफ से तो तैयारी करके गए थे. जब मैं वहाँ जाके बैठा हूँ तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, एकदम से भूल गया मुझे कि क्या करना है. हो जाता है. और मैंने पेपर देखा, कोई 5-10 मिनट तो मेरे इसमें गुजर गए. फिर मैंने उस पेपर को दोबारा देखा, रिलैक्स किया, कुछ आप लंबी लंबी सांसें लेते हो और उसके बाद आप आराम से सोचना शुरू करते हो कि यार मुझे इसमें से, अच्छा चलो ये वाला मैंने लफ्ज़ सुना हुआ है, ये वाले लफ्ज़ का मतलब क्या है. तो वो आपका हो जाता है. लॉजिक से देखो और क्रिटिकली देखो और अपने जवाब को का स्ट्रक्चर जो है वो करते रहो. अच्छा, ये दूसरी बात थी. तीसरी बात यह है कि जब आप एग्ज़ाम के दिन पे या एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जा रहे हो, मेक श्योर कि आपके पास आपका पेन, कंफर्टेबल पेन हो आपके पास. कई लोग हैं मेरे समेत जिनको ज़्यादा लिखने से हाथ में दर्द शुरू हो जाता है. अगर आपका भी यही मसला है तो कोई पेन किलर वगैरह अपने साथ लेकर जाओ, ताकि अगर एग्ज़ाम के बीच में दर्द ज़्यादा शुरू हो जाए या हाथ दुखना शुरू हो जाए, दो दो पेपर्स हैं आपके, तो आप वहाँ पे वो पेन किलर खाओ, वो तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर उसका इफ़ेक्ट हो जाता है. अच्छा जी, उसके बाद आपने ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम कोई अपने साथ टॉफ़ी चॉकलेट टाइप चीज़ रखो, ताकि आपका शुगर लेवल लो हो तो आप उस वक्त वो खा लो. पेन वगैरह अपने, स्टेशनरी वगैरह देख लो, कंप्लीट रखो. क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आंसर शीट मिल जाती है. जैसे ही आंसर शीट आपको मिलती है तो आप आंसर शीट के दोनों साइड पर, अगर कोई मार्जिन वगैरह बनाना है, एक साइड पर लगा होता है, दूसरी पर अक्सर लोग बना लेते हैं, अगर आप मार्जिन बनाना है तो ये आपके पास एक अच्छा टाइम होता है कि क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले
और आंसर शीट मिलने के बाद, वो बीच में आपके पास 2-4 मिनट का टाइम होता है, उसमें अगर मार्जिन लगाने हैं तो आप लगा सकते हो। अच्छा, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, कोई और दुआ अगर अम्मा ने बताई भी है तो वो पढ़ के उस क्वेश्चन पेपर पे फूंको, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। और उसके बाद आप जब क्वेश्चन देखते हो तो उस क्वेश्चन को डाइसेक्ट करो, उसके हिस्से देखो, इसमें 2 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, और ये मुझसे पूछ क्या रहे हैं, इस क्वेश्चन का मकसद क्या है। मैं अपने लिए ये भी करता था, कई दफा क्वेश्चन ज्यादा लंबा होता था तो आई वुड ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड कि ये जो प्रेपोजिशंस का रिलेशनशिप होता है ना, टू फ्रॉम, क्या चीज किससे पूछी जा रही है, रिलेशंस क्या है डिफरेंट चीजों के, वो आपको हेल्प कर देता है। तो मैं तो उसको ऑनेस्टली स्पीकिंग ट्रांसलेट कर लेता था ताकि मुझे समझ आए कि ये एग्जैक्टली मुझसे मांग क्या रहा है। और फिर जैसे ही आप आंसर देना शुरू करते हो ऐसे के अलावा बाकी सारे पेपर्स में, तो इंट्रोडक्शन के अंदर ही जंप टू द पॉइंट, एग्जामिनर को बताओ कि जी ये सवाल आपने पूछा है, ये मुझे समझ आ गई है, इसमें मेरा ये स्टांस है, ये मैं आपको जवाब दूंगा, फिर आप आगे जवाब के अंदर जवाब शुरू कर देते हो। अच्छा, एसे के अंदर खास तौर पे 10-15 मिनट पहले सिर्फ एसे को समझो, बिल्कुल दौड़ के एसे शुरू करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो एसे शुरू कर देते हैं एसे के टॉपिक को सही तरह से समझे बगैर, और उसका इतना नुकसान होता है, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है कि लोग एसे का पेपर आधा सॉल्व कर देते हैं, फिर उनको ख्याल आता है कि हमें तो टॉपिक सही तरह समझ ही नहीं आया। तो बेहतर है कि बाद में पछताने के बजाय आप पहले ही उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लो और अच्छी तरीके से समझ लो। अच्छा जी, ये हो गया। हाँ, आंसर जब लिख रहे हो तो मेक श्योर कि आंसर के अंदर एंड के ऊपर कंक्लूजन या क्रिटिकल एनालिसिस या वे फॉरवर्ड इस तरह की कोई चीज जरूर दो। और बस 5-6 दिन के अंदर आपके सारे के सारे पेपर्स खत्म हो जाएंगे, 12 आपके पर्चे हैं। और मतलब इफ इट मेक्स यू फील एनी बेटर, तो इसी हफ्ते हमारे भी एग्जाम्स हो रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स, हमारी ट्रेनिंग अब खत्म हो रही है, हमारी ट्रेनिंग का आखिरी आखिरी अब हफ्ते रह गए हैं। तो CSS के बाद जो ट्रेनिंग होती है हमारी, स्पेशलाइज ट्रेनिंग और कॉमन ट्रेनिंग, स्पेशलाइज ट्रेनिंग का आखिरी हफ्ता हमारा चल रहा है, और इस हफ्ते 5 दिन में मेरे 17 एग्जाम हैं। तो ये एग्जाम्स का सिलसिला कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो दैट्स अबाउट ऑल दैट आई हैव टू से। कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखो, जितना कूल एंड काम रहोगे उतने पेपर्स अच्छे होंगे। पेपर सर पे ज्यादा सवार करोगे, पेपर्स भूत बन जाएंगे, नहीं हो सकेंगे। और जितना पेपर्स को कॉन्फिडेंटली टैकल करोगे कि जी हो जाएगा, तो अल्लाह का नाम लो और जंप इनटू इट। घबराहट की कोई जरूरत नहीं है, घबराओगे तो पेपर्स तुम्हें डराएंगे, और अगर तुम नहीं घबराओगे और कहोगे अच्छा यार देख ही जाती है, तो वो पेपर्स अच्छे होंगे। आखिरी टिप जो मैंने अपनी तरफ से देनी है वो ये है कि कई लोग, अगर पेपर आपको लग रहा है एक पेपर आपका सही नहीं हुआ, आपको लग रहा है कि ये मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, तो कई लोग क्या करते हैं कि वो परेशान होकर ना वो परेशानी कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। एक दिन पहला पेपर मसलन अगर किसी का उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ, तो वो अगले दिन पिछले पेपर के गम को लेके साथ चल रहा होगा। पेपर करने के बाद पेपर डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो भी बंदा आपको आसपास नजर आया जो पेपर करने के बाद पेपर डिस्कस कर रहा हो, आप उससे अउज़ुबिल्ला पढ़ें और उससे दूर भाग जाएं। कोई जरूरत नहीं है ऐसी नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी में पालने की। और पेपर हो गया तो हो गया, किया बात खत्म, आगे चलो जिंदगी के अंदर, खास तौर पे CSS के अंदर, क्योंकि आपके यार एक हफ्ते में 5 पेपर हैं, सॉरी एक एक दिन में आपके 2-2 पेपर हैं, तो हफ्ते के अंदर आपके इतने सारे पेपर हो जाएंगे, आपको बिल्कुल ये टाइम नहीं है कि आप पिछले का गम लेके बैठो। हर पेपर को आपने नए जज्बे से और नए उससे तरीके से करना है। मुझे याद है जब मैं एसे के पेपर करके निकला था, तो मेरे एसे में मुझसे गलती हो गई थी कि मैं पहले थोड़ा डाइग्रेस कर गया था, एंड देन आई हैड टू कम बैक टू द टॉपिक। तो मैं बहुत बुरे मूड में एसे के पेपर से निकला था, बल्कि अवैध ने मुझे बाद में बताया कि यार आप जब पेपर से निकले थे तो आपने मुझसे कहा था अवैध भाई इस बार आपका हो जाएगा, मेरा तो शायद अगली बार होगा। तो मेरा बड़ा उसे मोरल डाउन हुआ हुआ था एसे के पेपर के बाद। पर अगर मैं उस मोरल डाउन को कंटिन्यू करता अगले पेपर्स के अंदर, तो फिर मेरा सारे के सारे पेपर वाकई फिर मैं अगले साल ही कर रहा हूं।
तो क्या हुआ कि जब वो एसए का पेपर हो गया, मूड खराब हुआ मेरा, कुछ नहीं होता, बाहर निकले, खाना शाना खाया, दोस्तों से कोई बात की, घूमे फिरे, और अगले पेपर में फिर आप नए एनर्जी के साथ जाते हो. थोड़ा ये मुश्किल काम है दिमाग को इस तरह कंपार्टमेंटलाइज करना, बट यू हैव टू लर्न टू डू इट एंड यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. यू कांट गेट स्टक अप ऑन वन पेपर. और इस वक्त ये हमारे एग्जाम्स के लिए सब सो रहे थे, अभी अभी सब निकले हैं, मेरे ख्याल से जागना शुरू हुए हैं. कल हमारे 3 पेपर्स हैं पब्लिक फाइनेंस वगैरह के, तो बस उसके लिए अभी मैं भी पढ़ना शुरू करता हूँ. पर उससे पहले आई जस्ट वांट टू सी कि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको मैं देख लूँ, खासतौर पे इस्लामियात से रिलेटेड, बिकॉज नियर पियर के ऊपर मेरा इस्लामियात का कोर्स था जिसमें 2 टॉपिक्स जो थे उनका इशू आया था, बिकॉज आई कुंट अपलोड दोज लेक्चर्स इन टाइम, इजमा एंड हज. तो हज के लिए आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप मेरे साथ बना हुआ है, CSS इस्लामिक स्टडीज एट नियर पियर का व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर मैं आपको हज रिलेटेड मटेरियल अभी इन लाइक बल्कि अभी भेज देता हूँ. आई नीड टू सी इफ दे हैव अलाउड मी टू पोस्ट. नहीं, अभी मेरा वो पोस्ट उसके अंदर हुई हुई है, ऑफ हुई हुई है, वो ऑन होती है, तो मैं आपको उसके ऊपर वो मटेरियल हज का भेज देता हूँ. और इजमा को अभी हम डिस्कस कर लेंगे. इजमा में देयर इज नथिंग टू बी वेरी स्केयर्ड अबाउट. लेट मी क्विकली सी व्हाट क्वेश्चंस यू गाइस हैव आस्क्ड मी. सो रिमशा इज सेइंग करंट अफेयर्स के लिए कोई इजी और कन्वीनियंट मेथड फॉर रिविजन पेपर. अच्छा यार, इजी और कन्वीनियंट मेथड रिविजन का कोई नहीं होता. अपने आसपास जो लोग हैं उनसे बातें चाहते कर लो. अगर आपने वन पेजर्स बनाए हैं तो दैट कैन रियली हेल्प यू आउट कि आप जल्दी जल्दी उसमें देख लो कि आई एम सॉरी फॉर द शोर इन द बैकग्राउंड. मुझे तो नहीं बुला रहा कोई, नहीं मुझे नहीं बुला रहा. अच्छा तो क्या बता रहा था मैं, हाँ यार, रिविजन का कोई फास्ट फॉरवर्ड तरीका नहीं है. और ये भी बात है कि अगर आप ज़्यादा क्रैम करने की कोशिश करोगे ना तो दिमाग में सारा गुथम गुथा हो जाएगा. तो बेहतर ये है कि आप क्रैम ज़्यादा ना करो और जस्ट ब्रीफली जो आपने अगर वन पेजर्स वगैरह बनाए हैं तो उनको देख लो. वन पेजर का कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को आइडिया ही है, नहीं है तो फिर पूछ लो तो मैं बता दूंगा. अच्छा जी, टिप्स फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे. एसे का इंट्रोडक्शन यार बहुत सिंपल है. हमाद का अगर आप लोगों ने लेक्चर्स देखे हैं तो दोज आर सफिशेंट. थोड़ा सा ब्रॉडली शुरू करते हो, फिर सीधा आप टॉपिक पे आ जाते हो. उसमें अपना थीसिस स्टेटमेंट जरूर देना. प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट योर थीसिस स्टेटमेंट. योर एसेज बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड अननेसेसरली व्हेन यू डोंट राइट योर थीसिस स्टेटमेंट. सो मेक श्योर दैट योर थीसिस स्टेटमेंट इज देयर. Faizan Khan is asking me, bro, yeah, bro, I'm right here with you, bro. What should we do after FSC? I'm currently first year law student. Yaar, aap tension na lo, aap first year student ho, aapki bhi 4 saal ki degree rehti hai. Degree karne ke baad kuch sochna. Nazakat is saying, right intro to the point without doing. Achha, chalo, ye toh mera hi kaam isne kar diya. Savati is watching. Hi, Savati. हाँ यार, मोटिवेटेड रहो वकार, कोई कोई टेंशन की बात नहीं है. प्रेसी पेपर में यार बहुत टाइम होता है आपके पास. प्रेसी का पेपर बल्कि सबसे जल्दी आमतौर पर लोगों का हो जाता है. मेरा उसमें ये मशवरा है कि ज़्यादा 2 अप्रोचेस लोग लेते हैं. एक अप्रोच लोग ये लेते हैं कि जो लंबे सवाल हैं कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी, पहले वो करते हैं फिर छोटे सवाल करते हैं. मैं खुद ये करता था कि मैं इसको उल्टा करता था कि जो छोटे सवाल हैं ना, वन वर्ड जिनके आंसर्स हैं या सेंटेंसेस बनाने हैं या ट्रांसलेशन है, वो मैं पहले कर लेता था. तो टू बी ऑनेस्ट, तकरीबन 30 से 40 मिनट्स के अंदर, 45 मिनट्स के अंदर मेरे छोटे छोटे सवाल तकरीबन सारे हो गए होते थे. ट्रांसलेशन में भी आपको 10-15 मिनट लगते हैं कि आपने इतना सोचना नहीं है ना, वो उर्दू है, आप उसको पढ़ते जाओगे और आप उसको एज इट इज़ ट्रांसलेट करते जाते हो. अगर आप पहले बाकी छोटे सवाल कर लो फिर कॉम्प्रीहेंशन कर लो. कॉम्प्रिहेंशन और छोटे सवालों में आपका घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा. 1.5 घंटे ज़्यादा यूजली नहीं लगता, मैक्सिमम लग गया तो आपका 1.5-2 घंटे लग जाएंगे. यू विल देन हैव इनफ टाइम टू स्टिल डू योर प्रेसी, और घंटा आपको तकरीबन प्रेसी के लिए मिल जाता है. प्रेसी के लिए घंटे से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी नहीं चाहिए, इतना इतना लंबा मामला होता नहीं है प्रेसी का. अच्छा जी, उसके बाद उसामा, बेस्ट ऑफ लक उसामा, इंशाल्लाह रंग लाएगी आपकी फाका मस्ती एक दिन. लिंक शेयर कर दें ग्रुप का, यार वो नियर पियर वालों का काम है. और हेलो टू अनसब एज वेल. हाउ मच स्लीप इज इनफ ड्यूरिंग एग्जाम्स? यार एग्जाम में आराम से सो, क्योंकि अगर पेपर में आपका दिमाग नहीं चल रहा होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है. 7 घंटे सो लो,
इतना तो सोना चाहिए। पर एक मेरा मशवरा ये होता है कि पेपर से 2-3 घंटे पहले जाग जाओ, क्योंकि आपको नहाओ धो फ्रेशअप हो ताकि आपका दिमाग सही चल रहा हो। दैट इज़ यूजली व्हाट आई वुड रेकमेंड। आई एम एन एडमिन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप नाउ, थैंक यू अमार फॉर दैट। एंड जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं उनको मैंने हज की चीज़ें फॉरवर्ड कर दिए हैं। वेट जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, फॉरवर्ड मैसेज, हाउ डू आई फॉरवर्ड दिस, आई एम स्लाइटली हैंडीकैप्ड विद टेक्नोलॉजी आई गेस। परफेक्ट डन, आई एम ऑल्सो गोइंग टू सेंड अ फ्यू इन्फोग्राफिक्स, आई विल डू दैट आफ्टरवर्ड्स। ज़मान इज वॉचिंग, यू नॉट डूइंग योर सी एस एस राइट नाउ, कूल। Yeah, Hamna, there's probably Hashim in the background. I can invite him over and he can give you guys a pep talk as well. Hashim is probably the best person to give you a pep talk. और उसका हर चीज़ का ये जवाब होता है कि हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। उसको हम भी जाके कहते हैं यार कल एग्जाम है क्या करें, हो जाएगा टेंशन नहीं लेनी। रात को फिर 11 बजे बैठता है और मैं सारा कुछ करा देता है। तो जीनियस आदमी है, दोज़ ऑफ यू हु नो राव हाशिम। 2021 में जिसने पेपर्स देने हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे उनको? मैं ये कहूँगा यार आप स्लैक ना करना, एक साल है आपके पास, रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहो। तो अगर वो खरगोश और कछुए वाली कहानी की बात है, अगर खरगोश की तरह सो गए तो साल गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, कछुए की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे तो यूल इंशाल्लाह गेट टू द एंड। हाउ टू टैकल MCQs, इस्लामियत के MCQs की इस वक्त आप टेंशन ना लो, ठीक है? अगर आप 2020 में एग्जाम दे रहे हो तो अब MCQ करने के लिए बहुत देर हो गई है। पास पेपर्स के MCQs देख लो, अगर उसमें से एक हाथ कोई आ जाए तो आपकी किस्मत, और नहीं आया तो सब्जेक्टिव के अंदर कोशिश करो कि आपके ज़्यादा अच्छे वो आ जाए। यार ये एज लिमिट वगैरह के सवाल पूछने का तो इस वक्त टाइम नहीं है अभी तो। आप में से जो जो मेरा प्रेफरेंस वो होगी कि आप में से वो लोग के जो उमर जीशान क्रिटिकली का मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हिसाब है, आप में से वो लोग कि जिनका अभी 2020 में पेपर है वो अगर सवाल पूछे तो दैट वुड बी बेटर। चलो इज्तिहाद का सवाल आया है और वो मैं आप लोगों को जल्दी से इसमें करा देता हूँ। ये बलोच का क्वेश्चन है कि सर देर आर सम क्वेश्चंस और टॉपिक्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर रेफरेंसेस लाइक हदीस और आयात, हाउ टू प्रेजेंट दोज आंसर्स? लुक, हदीस एंड आयात, अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली आस्क दिस क्वेश्चन टाइम एंड अगेन कि हम कितनी हदीसें लिखें, कितनी आयात लिखें। तो आप 0 हदीस और 0 आयात लिखें आपके तब भी इस्लामियात में अच्छे नंबर आ सकते हैं। मामला सिर्फ ये है कि क्या आप क्वेश्चन को समझे हो और क्वेश्चन का आपने एक अकलमंदाना पढ़ा लिखा जवाब दिया है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। हदीस और आयात ऐसे है कि जैसे वो हलीम बना के तो उसके साथ वो गार्निशिंग होती है ना, तो इट्स अ गार्निशिंग ऑन द टॉप, इट मेक्स द थिंग बेटर बट इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट अ नेसेसरी इंग्रीडियंट ऑफ योर आंसर, इट्स एन ऑप्शनल इंग्रीडियंट योर आंसर। द मोर यू राइट योर हदीस एंड आयात टू सीमेंट योर आर्ग्यूमेंट द बेटर, बट इवन इफ यू डोंट रिमेंबर एनी हदीस और आयात ऑन द स्पॉट दैट्स टोटली फाइन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। Plus, I have also mentioned this in detail in the lectures, so that's covered. How to spend those 2 hours that we have between consecutive papers? Yaar, humna aap do ghante mein kuch khao, piyo, aur one pagers agar koi dost aisa mil jaye jiske paas ek page pe kafi cheezein likhi ho, to wo bada fayda de deta hai. Mujhe yaad hai ki mera jab Islamiyat ka paper tha, to maine zakat ka topic padha hi nahi hua tha usse pehle. ज़कात और हज के 2 टॉपिक्स थे कि जो मैं स्किप करके गया था क्योंकि स्किप हो जाती हैं चीज़ें। तो उस वक्त मैं उन 2 घंटे में एक दोस्त के साथ बड़ा ही रैंडमली बैठा, बल्कि मैं चलता हुआ आ रहा था तो मैंने देखा एक गाड़ी में ना, तो मेरे दोस्त पत्नी कहीं और गए हुए थे उस वक्त, तो गाड़ी में ना एक लड़का बैठा हुआ ना, 1 पेज उसके पास थे, तो मैंने रैंडमली उसके शीशे पर नॉक किया। मैंने उसको कहा कि यार आप अभी 1 पेजेस हैं आपके कोई फ्री? तो उसने कहा हाँ बैठ जाएं। मैं उस रैंडम स्ट्रेंजर था और मैं उसकी गाड़ी में बैठा और हमने वहां पे उसके पेज से उसने मुझे कहा ये ज़कात का टॉपिक बड़ा रिपीट हो रहा है ये देख लें। तो वो उस वक्त ज़कात का टॉपिक एक नज़र देखा, उसमें एक जो मसारिफ़ ज़कात की आयत है वो मैंने याद कर ली उसी वक्त,
और वो गया एग्जाम में तो ज़कात का क्वेश्चन आया, मैंने फॉरन क्वेश्चन पेपर के ऊपर वो लिख दी। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आए, हर क्वेश्चन के आगे लिखते जाओ कि इसकी मुझे ये चीज़ जो है ये आती है, या ये चीज़ मुझे इसके बारे में याद आ रही है। दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू डाउन द रोड। मेरे जो उस्ताद हैं, ही आई थिंक जस्ट जॉइन, तो अस्सलाम वालेकुम टू हिम एज़ वेल। When I was preparing, so I was at his academy in Lahore. It's World Times Academy. It's a very nice place. If you guys wanna, if you guys are in Lahore and you want to go for a CSS prep, that's a good place. Particularly the super class, which was just very very beneficial. Highly recommended for anyone who wants to speed up his CSS preparation. Any tips for IR? Make sure that you write a theory in all IR questions. I was just talking to a friend of mine from Peshawar, and he said ki ji IR ke andar ek question, usne kaha global warming kya Pakistan se related question tha 2017 ke paper mein, to usne kaha is paper mein main theory kya lagaun, to maine usko yehi samjhaya ki aap isme bhi theories laga sakte ho ki global warming jo hai ye ek liberal concept hai, global jahan pe bhi aata hai wo liberalism ki baat kar raha hota hai, aur लिबरलिज्म के अंदर एक टीयर नहीं होता, रियलिज्म के अंदर एक एक्टर होता है सिर्फ, विच इज द स्टेट। बट लिबरलिज्म के अंदर यू हैव ग्लोबल एक्टर्स, यू हैव नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स, यू हैव नेशनल एक्टर्स एंड यू हैव सब नेशनल एक्टर्स। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग का सवाल है या क्लाइमेट चेंज का सवाल है आईआर के अंदर, तो उसको आप इन डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जाके करोगे उज़ैर घुमन, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो द आइडिया इज कि आईआर के अंदर थ्योरी जरूर डालो। अच्छा जी, हाँ उसकी हम मतलब हम इंसान नहीं होते, हम नहीं स्किप कर सकते टॉपिक यार, मतलब टॉपिक हर कोई स्किप करता है तो राइट। चलो आई थिंक वी डन विद एवरीथिंग। मैं लास्ट जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, अपने इस्लामिया के स्टूडेंट्स ने इजमा की बात की है, तो इजमा के ऊपर मैं थोड़ी सी आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ, एंड होपफुली दिस विल बी हेल्पफुल। यू गाइज नीड टू नो अबाउट इजमा, that let me just see what time we are at right now. Acha nahi, I can't see it right now. Nahi samajh aa raha. Acha ji, great. Acha, Islam ke andar jo kanoon hai wo char tareekon se mainly aata hai. इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये है, पर इसको ब्रॉडली देखें तो चार तरीके हैं। सबसे पहला कानून जो है वो कानून है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए खुद नाजिल किया है, और वो है कुरान। कुरान इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, दैट शुड बी वेरी क्लियर। और कुरान की जो डिस्कशन है वो हम बचपन से सुनते आए हैं, देयर इज नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन इट। कुरान जो है ये अल्लाह का अपने अल्फाज है, अल्लाह के ये हमेशा से है, हमेशा के लिए है, वक्त के साथ ये तब्दील नहीं होता, इसमें कोई चेंज मुमकिन नहीं है। और इसमें अल्लाह ने जो कानून दिए हैं वो इस तरीके से दिए हैं कि वो हमेशा के लिए सेम कानून लागू रहेगा, कोई उसमें तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। पर कुरान शरीफ हर मौजू के ऊपर बात नहीं करता, बल्कि अक्सर मौजूआत के ऊपर कुरान स्टार्ट्स टॉकिंग और गिव्स अस एन इंडिकेशन, बट डजंट टेल अस एग्जैक्टली हाउ दैट विल बी डन। द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट इज नमाज। द कुरान मेंशंस नमाज रिपीटेडली, इट मेंशंस ज़कात रिपीटेडली, बट इट डज नॉट टेल अस व्हाट इज द व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ज़कात, व्हाट इज द वे दैट नमाज हैज टू बी ऑफर्ड। इसके लिए वी कम टू द सेकेंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, विच इज सुन्ना। Sunnah is whatever the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, or Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did, or Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw and approved, did not stop from doing. He was silent on something. That is all counts as Sunnah. Sunnah ke andar there are again there are five major types. Do jo hai wo hadithon ki types hain. Sabse pehli hai hadith-e Qudsi. Hadith-e Qudsi is a hadith which are the words of Allah but not part of the Quran. So if there is a hadith which says, in which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says ke Jibril Amin alayhi salam came to me and he said Allah is saying this, now that is not part of the Quran, but these are words of Allah Taala, so that is called a hadith of Qudsi, and this is the strongest hadith when it comes to legal value. Second ke upar there are hadith which are the words of the Prophet himself. Third pe there are not words of the Prophet but actions of the Prophet. Fourth pe those actions which the Prophet saw and he smiled or he showed his approval.
और फिफ्थ पे आर दोस थिंग्स दैट द प्रॉफिट सॉ एंड ही डिड नॉट गिव एनी रिएक्शन. ये इस ऑर्डर के अंदर आपकी हदीस वो आती है. क्योंकि हदीस कुरान की तरह इसकी कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, पर हदीस जो है ये लफ्ज़ों के अंदर बहुत लेट लिखी गई थी. तो हदीस में देर आर वेरियस क्रेडिबिलिटीज ऑफ हदीस. द मोस्ट क्रेडिबल हदीस इज कॉल्ड सही हदीस. देन देर इज एन अदर लेवल कॉल्ड हसन हदीस. And then it keeps on going down till Zaif Hadith. Zaif Hadith is the Hadith ke jiske bahut zyada surety nahi hai. Sahi ho bhi sakti hai, par itna chance nahi hai. Aur phir wo Hadith hai ki jo rejected Hadith hai, ki ye Hadith jo jisko hum Urdu mein jhooti Hadith kehte hain, wo hai. To ye aapki Hadith ki categories. Ab kuch mamlaat hain jisme Quran bhi khamosh hai aur Hadith bhi khamosh hai. Inke upar kya kiya ja sakta hai? Iske liye जो थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है उसका नाम है इज्तिहाद. इज्तिहाद लफ्ज जो है वो जहद से निकलता है. जहद का मतलब है कोशिश करना, स्ट्रगल करना. जहाद भी इसी से निकलता है. और इज्तिहाद के मुख्तलिफ तरीके हैं इस्लाम के अंदर. इज्तिहाद की वो टाइप जो लीगली लेजिस्लेटिव तौर पर या सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ के तौर पर सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है इजमा. इजमा जो है इसकी रूट है जमा. जीम जीम मीम एंड जमा. इजमा वो चीज है कि जिसके ऊपर सब लोगों का इत्तफाक हो जाए, जिस पॉइंट के ऊपर सब लोग जमा हो जाएं, उसको इजमा बोलते हैं. इन इंग्लिश वी वुड से इट इज द कंसेंसस ऑफ पीपल. अब किसका कंसेंसस है उस पे फर्क पड़ेगा कि वो इजमा कितना स्ट्रांग है. पर इजमा इज द थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ. Literally, it means to resolve to do something, to resolve to firmly do something, especially do it together. It is the agreement of all the mujtahids of the Muslims in a particular age. ठीक हो गया? इज्मा की हनफी जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मजहब है, हनफी मजहब में और शाफई मजहब में इज्मा की इजाजत है. मालिकी जो है वो इज्मा की इजाजत सिर्फ मदीना के लोगों को देते हैं. क्योंकि मालिकियों का यह मानना था कि मदीना के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के सबसे करीब रहे हैं, तो वो सिर्फ इजमा कर सकते हैं और कोई इजमा नहीं कर सकता. और हम्बली जो है वो कहते हैं कि इजमा सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कर सकते थे, उनके बाद कोई इजमा नहीं कर सकता. हमारे यहाँ जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है इसमें भी इजमा ऑफ द सहाबा जो है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इजमा है. इसकी सबसे अच्छी मिसाल है जुमे की नमाज. जुमे की नमाज के बाद जुमे की नमाज से पहले दो अजानें होती हैं, एक कुछ अरसा पहले होती है और एक बिल्कुल नमाज से पहले होती है. रसूलुल्लाह के दौर में दो अजानें नहीं होती थी. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद असहाबा कराम के दौर के अंदर हजरत उस्मान के दौर में फैसला हुआ कि दो अजानें कर दी जाए. तो ये सहाबा का इजमा था कि लोगों को जुमे के लिए बुलाने के लिए शायद एक अजान कम पड़ रही थी, तो उन्होंने दो अजानों का तरीका शुरू कर दिया. तो ये इजमा है सहाबा का. जो भी सहाबा का इजमा है वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट में बाइंडिंग कंसिडर होता है. सहाबा के इजमा के बाद आपके जो इजमा की टाइप्स हैं उसमें एक मुज्तहिदीन का इजमा है कि जो लोग इज्तिहाद करना जानते हैं, कुरान फिका सुन्नत को पढ़ चुके हैं, फकीह हैं, मुज्तहिद हैं, वो अगर किसी चीज़ पर इजमा उनका हो जाए वो चीज़ बाइंडिंग है. फिर कई इजमा ऐसा होता है कि कम्युनिटी, एक छोटी सी कम्युनिटी है, मसलन मुसलमान हैं जो इंग्लैंड के किसी गांव में रह रहे हैं, वहां पे वो कहते हैं कि जी यहाँ पे हमें कोई मसला आ रहा है जो लोकल मसला है जिसका उन्हें कुरान और सुन्नत से उस वक्त हल नहीं मिल रहा, तो वो आपस में सब इजमा करके उसके ऊपर कोई फैसला कर सकते हैं. तो ये इजमा की इसमें तीन चार टाइप्स हैं. जितने ज़्यादा लोग इजमा का हिस्सा बने उतना वो इजमा स्ट्रांग होता है, और जितने कम लोग इजमा का हिस्सा उतना वो इजमा वीक होता है. That's as much as you need to know largely about ijma. अच्छा, इज्तिहाद जो है इसमें ijma के अलावा और भी चीजें हैं. जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है इसमें ijma है, इज्तिहाद अब मेन हेडिंग है. अब क्या है? कुरान सुन्नत और इज्तिहाद. इज्तिहाद की फिका हनफिया के अंदर दो आगे वैरायटीज हैं, एक ijma और एक कयास. कयास होता है एनालॉजी ड्रॉ करना, कि आपको एक चीज पता है और आप उससे मिलती जुलती दूसरी चीज को उसके साथ एनालॉजी ड्रॉ कर लेते हो. इसकी सबसे अच्छी मिसाल है खवातीन का नेल पॉलिश लगाना. अब कयास में डिफरेंस आ सकता है. अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नेल पॉलिश नहीं होती थी,
तो जब नेल पॉलिश आई तो अब उलमा के सामने एक मसला आया कि क्या नेल पॉलिश लगाकर वजू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इस पे जो सुन्नी उलमा है फिका हनफिया के, उनका दो इजमा सामने आए, दो उनके कयास सामने आए। उनका पहला कयास ये था कि रसूलुल्लाह सल्लम की एक हदीस हमें मालूम है कि खवातीन जो आटा गूंथते हुए उनका आटा रह जाता है लगावा नाखून पे, तो उस आटे के ऊपर वजू का पानी गुजरे भी तो वजू नहीं होता, उन्हें पहले वो आटा खुरच के उतारना होता है फिर वजू करना होता है। तो उन उलमा ने ये कयास किया कि वो नेल पॉलिश भी उस आटे की तरह है जो उंगलियों पे जम जाता था और पानी नाखून तक नहीं पहुंच सकता था उसकी वजह से, इसलिए खवातीन को पहले नेल पॉलिश उतारनी है और फिर वजू करना है। ये कयास वन। बाकी उलमा जो दूसरे थे उन्होंने कयास ये किया कि एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर आपने वजू किया और आप पाक साफ हुए और फिर आपने चमड़े की जुराबें पहन ली, तो चमड़े की जुराबों के अंदर क्योंकि आपके पांव साफ थे और जुराब भी एक साफ चीज होती है, तो उसमें अगर आप वजू कर रहे हो तो आप चमड़े की जुराब के ऊपर भी वजू कर सकते हो, हाथ फेर के आपका वजू हो जाएगा। इन उलमा ने यह कयास किया कि नेल पॉलिश लगाना, अगर आप वजू करते हो, हाथ धोते हो, वजू करते हो, फिर नेल पॉलिश लगाते हो, तो वो ऐसे है जैसे आप पांव धो के वजू करके चमड़े की जुराब पहन रहे हो, जिस तक पानी नहीं पहुंच सक रहा पर नीचे पांव साफ है। नेल पॉलिश के पहले भी अगर आप वजू कर लेते हो तो नाखून तक पानी नेल पॉलिश की वजह से नहीं पहुंच रहा पर आपके नाखून असल में साफ है। तो ये दो कयास थे एक ही चीज के बारे में, पर दोनों में आपको समझ आ जाएगी कि कयास का कॉन्सेप्ट क्या है। कयास का कॉन्सेप्ट है एक चीज को देखकर जो रसूल सल्लम की एस्टैब्लिश हदीस है उसको किसी आज के मसले के ऊपर लागू करना, ये कयास होता है। ये हनफी स्कूल ऑफ थॉट में फोर्थ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है। जो शाफई हैं उनके अंदर इसकी ज्यादा गुंजाइश नहीं है। जो मालिकी हैं वो मवत्ता है जो इमाम मालिक की उसके ऊपर चलते हैं और मदीना वालों की उसको क्रेडिबल समझते हैं, और इज्तिहाद सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से फिकह हनफिया के अंदर ही इसकी रिलैक्सेशन है कि लोग करते हैं। इज्तिहाद की कुछ शर्तें हैं वो आप क्विकली सुन लो मुझसे। नंबर वन, अगर किसी चीज पर कुरान का हुक्म मौजूद है उस पर इज्तिहाद नहीं हो सकता। कुरान ने कह दिया कि शराब हराम है, तो अब आप कोई इज्तिहाद करके, इजमा करके, कयास करके किसी तरह से भी शराब अगर हराम है तो उसको हलाल नहीं कर सकते। उसके बाद वो चीज जो सुन्नत ने क्लियरली इस्टैब्लिश कर ली उस पर भी आप इज्तिहाद जो है वो नहीं कर सकते। उसको आगे कोई उसकी क्लैरिफिकेशन इज्तिहाद से कर सकते हो पर ओरिजिनल चीज इज्तिहाद से आप सुन्नत बदल नहीं सकते। कई उलमा का यह ख्याल था कि इज्तिहाद के दरवाजे अब बंद हो गए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह इमाम मालिक हैं या इमाम शाफई हैं या इमाम हम्बल हैं, उनका ख्याल था कि अगर इज्तिहाद की इजाज़त देते रहेंगे तो मज़हब में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ जाएंगी। तो बाज़ उलमा ने इज्तिहाद के दरवाजे बंद कर दिए और इमाम जो इमाम हनीफा हैं, इमाम अबू हनीफा हैं रहमतुल्लाह अलैह रदियल्लाहु अन्हु, उन्होंने इज्तिहाद को कैरी ऑन किया। अब मैंने आपको क्या बताया, मैं इसकी ब्रीफ समरी दे दूं। कुरान, उसके बाद सुन्ना, उसके बाद इज्तिहाद। इज्तिहाद की हनफिया स्कूल ऑफ थॉट में दो ब्रांचेस, इजमा और कयास। इजमा और कयास के अलावा भी इज्तिहाद की टाइप्स हैं। इनमें एक है इस्तेहसान। इस्तेहसान का मतलब होता है कि किसी चीज को वैसा ही डिक्लेयर कर देना। ये कयास से मिलता जुलता है पर इसमें डिफरेंस है। कयास में फर्क चीजें होती हैं, जुराबें और नेल पॉलिश, उनको आपने कयास करके बराबर कर दिया। इस्तेहसान ये होता है कि सेम चीज होती है। मसलन इसकी जो सबसे मशहूर मिसाल है वो ये है कि कुरान में एक तरह की शराब है कि वो हराम है। अब हम जाते हैं जापान जाते हैं, वहां पे लोग चावल से शराब बना लेते हैं। अब वो कहें कि जी नहीं नहीं जी, ये तो चावल की शराब का तो कुरान में कहीं जिक्र नहीं आया। तो ये बात सही है कि कुरान में चावल की शराब का जिक्र तो नहीं आया, पर उलमा ने कहा कि शराब शराब है, चाहे वो चावल से बनी हो या अंगूर से बनी हो या किसी और चीज से बनी हो। तो जो भी नशा आवर इस तरह का लिक्विड है उस पे उन्होंने इस्तेहसान अप्लाई कर दिया कि जिस भी चीज से बनी हो। कुरान में सिर्फ एक एग्जांपल है जो मेरे ख्याल से जौ की शराब की है या अंगूर की शराब की है, मुझे एग्जैक्ट इस वक्त माजरत से याद नहीं है, पर एक एग्जाम्पल है। अब अगर कोई उसको चावल से बना लेता है, कोई उसको किसी और चीज से, जिस भी चीज से आप बनाओगे अगर वो शराब है तो इस्तेहसान रूल उस पर अप्लाई करेगा और वो हराम ही होगी। अच्छा जी, इसके बाद एक और इज्तिहाद की टाइप है
इस्तिस्लाह, और एक और इसकी टाइप है इस्तेदाल। ये इनके सिर्फ आप नाम भी लिख दो तो काफ़ी है, यू डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल्स, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आखिरी बात इस टॉपिक के अंदर, दो आखिरी बातें इस टॉपिक के अंदर। पहली बात कि इज्तिहाद की इजाज़त आपके ख्याल से किसको होनी चाहिए, इसमें जो भी आपकी राय है आप वो दे सकते हो। क्या हर मुसलमान को इज्तिहाद की इजाज़त होनी चाहिए, सिर्फ मुज्तहिदीन को इज्तिहाद की इजाज़त होनी चाहिए? कुछ लोग ये कहते हैं कि मुज्तहिद भी नहीं, सिर्फ हुकूमत जिसको इज्तिहाद करने की इजाज़त दे उसको इज्तिहाद की इजाज़त होनी चाहिए। दूसरी और आखिरी बात इस टॉपिक में ये है कि आज और मुस्तकबिल में वेयर डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इज्तिहाद, किस तरह से मुसलमानों को इज्तिहाद करना चाहिए। इसमें एक ओपिनियन यह है कि एक वर्ल्ड इज्तिहाद काउंसिल होनी चाहिए जिसमें पूरी दुनिया के मुसलमान उलमा आकर इज्तिहाद जो है उसको प्रैक्टिस कर सकें। कुछ लोग ये कहते हैं कि हर मुल्क के अंदर एक ऐसी काउंसिल होनी चाहिए जिसमें हमारे यहाँ इस्लामिक आइडियोलॉजी है जो इज्तिहाद को कंटिन्यू कर सके। और इस तरह इसमें एक दो और रिकमेंडेशन हैं, बाज़ रिकमेंडेशन ये भी हैं कि इज्तिहाद के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इज्तिहाद इज़ ए वेरी गुड टूल, क्योंकि नए नए मुसलमानों को मसले जो हैं वो दरपेश होते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, दुनिया बदलती रहती है, तो आपको इज्तिहाद के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। अगर ये सवाल आ गया पेपर के अंदर तो आप इस इंफॉर्मेशन से, सुनने से ही आप लोगों का इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो काम चल जाएगा। और बाकी ये है कि आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एज वेल, मोर क्वेश्चन आर कमिंग फॉरवर्ड, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन होगा। और नसर मिन अल्लाह व फतुन करीब, दुआ पढ़ के जाइएगा, और बेस्ट ऑफ लक, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू। और आप लोग भी प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और यहाँ पे एकेडमी में जितने भी लोग अभी हम लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि ये वाले एग्ज़ाम्स हमारे भी अच्छे जाएँ, और जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए हमारी दुआएँ। तो आर ऑलवेज विद यू, थैंक यू सो मच, सलाम अलैकुम।